will most assuredly plant the house in paradise. This is the essence of the Urdu speech of Brother Muhammad Arsh of Grade 1st. Please give him a warm welcome. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, Wassalatu Wassalamu ala Rasulih al-Kareem. Amma ba'd, wa'udhu billahi minash shaitani rajeem. Bismillah, Rahmani Rahim. Rabb israh li sadri wa yassir li amri wa'lul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhammad Arsh, darwaza awwal ka talib ilm, main aapke samne ek aise mauzu par guftugu karne ke liye hazir hu jo bahut aam hai. एक ऐसी गुना की याद दिलानी कराना चाहता हूँ जिसको शायद हम गुना समझते भी नहीं. मेरे गुफ्तगू का मौजू है झूठ. ये झूठ बदतरीन गुनाहों में से एक गुना है. इंसान की सारे अखलाकी जमीमा में से सबसे ज्यादा बुरी और मजमूम आदत झूठ की है. ये आदत जिस इंसान में भी पैदा हो जाए वो उसे बुरा बना देती है और ऐसे इंसान पर कोई भी एतमान नहीं करता और न ही उसकी बात का कोई इंसान भी यकीन करता है. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोलना मुनाफिक की निशानी करा दिया. ये झूठ अकेली बुराई नहीं बल्कि इसकी वजह से हमारे अंदर और बहुत सारी बुराइयां पैदा हो जाती हैं. इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने काजिब के लिए कहा सूरह शुअरा सूरह नंबर 26 आयत नंबर 222, अफवाह किम असीम, झूठ बोलने वाला गुनाहगार. तो एक झूठ की वजह से हमारे गुनाहों को बोलवाता जाता है और हमको खबर भी नहीं होती है. तो हम सब झूठ से बहुत परहेज किया करें क्योंकि ये जुनूनों की पहचान नहीं बल्कि मुनाफिक की पहचान है. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफवान बिन सलीम ताबईन से रवायत नकल है कि एक इंसान ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या मुसलमान भी हो सकता है. फरमाया हो सकता है. फिर पूछा क्या वकील भी हो सकता है. जवाब दिया हो सकता है. फिर दरियाफ्त किया क्या झूठा भी हो सकता है. मतलब यह है कि मोमिन में हर बुराई हो सकती है मगर खयानतकारी और झूठ की सिफत हर किस नहीं हो सकती क्योंकि यह ईमान के और जौहर के सरासर खिलाफ है. तो हम सब ये अहद करके यहाँ से रुखसत हो कि झूठ बोलने की खसरत को अपने अंदर से निकाल देंगे. झूठ को हर तरह से छोड़ देंगे. यहाँ तक कि मजाक और झगड़े में भी हमारे रब का फरमान है सूरह हज़ सूरह नंबर 22 आयत नंबर 30, बुतों की जिंदगी और झूठी बात के रहने से बचते रहो. अल्लाह सुब्हानहु तआला हम सबको झूठ बात के रहने से बचाए रहे और मानो सुमार सच्चे लोगों को आमीन. वाखरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.